जय हिंद, जय भारत उन सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, यानी कि वेरिएबल्स का ये चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें हम वेरिएबल्स को समझ चुके हैं क्या होता है। अब कॉमन रूल्स में इन वेरिएबल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आज हम समझेंगे। तो लेट अस नाउ सी हाउ सर्टेन कॉमन रूल्स इन मैथमेटिक्स That we have already learned are expressing using variables. तो मैथमेटिक्स में जो रूल्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको आज वेरिएबल से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड ऑफ अ रेक्टेंगल इन द चैप्टर ऑन मेंसुरेशन। तो हम पहले से ही सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, एक स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, कौन से चैप्टर में, मेंसुरेशन में। हियर वी गो बैक टू देम टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। और हम यहाँ क्या करेंगे, एक रूल में फॉर्म करेंगे उनको। तो पेरीमीटर को किस तरह से रूल में फॉर्म कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, यानी कि एक क्लोज फिगर है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज है। अब आप ये कहो ये फिगर है तो ये क्लोज नहीं है, इसमें अंदर जाने का रास्ता है तो ये क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। और सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक लाइन ये, एक लाइन ये लाइन सेगमेंट, लेकिन ज्यादा कितनी भी लाइन सेगमेंट इसमें हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, इसीलिए मोर देन लिखा हुआ है। तो पेरीमीटर में क्या होता है, इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, क्या होता है, साइड का सम, जैसे ये साइड है इसको ऐड किया, ये साइड इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, सारी साइड को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है वही क्या कहलाती है, पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक स्क्वायर की। तो स्क्वायर के लिए हमने रूल निकाला था, क्या निकाला था, कि स्क्वायर की क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है ना, तो इसलिए हमने 4 इंटू साइड रूल निकाला था मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, तो वही वाली बात ये भी बोल रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ठीक है ये चीज हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, तो उन्होंने यहाँ 4 इंटू साइड ना लिख के 4 इंटू एल कर दिया है, यानी कि 4L, ठीक है, तो वही बात है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, L पहले हमने जो सीखा था उसमें साइड की वैल्यू दे रखी होती थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ वैल्यू ना दे के एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब आप कोई भी स्क्वायर चाहे इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, ठीक है, कितना बड़ा छोटा हो तो उसकी साइड कितनी भी बड़ी हो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी जगह पे, एल की जगह पे, ठीक है। तो दस वी गेट द रूल दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर द यूज ऑफ अ वेरिएबल एल अलाउ अस टू राइट द जनरल रूल इन अ वे दैट इज कंसाइज एंड इजी टू रिमेम्बर। तो ये क्या करेगा, हमें याद करने में आसान होगा। तो वी मे टेक द पेरीमीटर ऑल्सो टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल से पी, then the rule for the perimeter of a square is expressed as a relation between the perimeter and the length of the square p equal to 4l, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब आते हैं perimeter of a rectangle के लिए। तो rectangle और square में क्या difference है कि square में चार side equal होती थी और rectangle में दो side equal होती हैं parallel वाली, ये दोनों equal होंगी, इनको ऐसे कर देंगे, ये दोनों इक्वल होंगी और ये वाली दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ए बी यानी ए वाली ए बी और बी सी, ये बी सी, सी डी एंड डी ए, चारों साइड होगी। द अपोजिट साइड ऑफ एनी रेक्टेंगल आर ऑलवेज इन लेंथ, ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो अपोजिट यानी इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ये हमेशा कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एल से, ठीक है। इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी लेट अस डिनोट बाय एल द लेंथ ऑफ द साइड ए बी और सी डी एंड बाय बी
द लेंथ ऑफ साइड ए बी और बी सी, ठीक है, वही कि ए बी ए डी के बराबर है, ठीक है। जैसे ये हमने रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिए, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के, ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ प्लस ए बी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है, यानी कि चारों साइड का क्या पेरीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ सी डी प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ बी सी, तो 2L प्लस 2B। अब 2L इसका मतलब लेंथ, ठीक है, जो लंबी होता है उसको लेंथ बोलते हैं, और 2B मतलब दो साइड ये हैं, तो इनको 2B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो साइड ये हैं, तो इनको 2L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द रूल देयरफॉर इज दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस 2B, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे वेरिएबल के साथ कौन सा रूल फाइंड किया हमने, 2L प्लस 2B, वेयर L एंड V आर रेस्पेक्टिवली द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ लेंथ L और B क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। तो डिस्कस व्हाट हैपन इफ L इक्वल टू B। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि L है वो B के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। भाई रेक्टेंगल तो ये होता है ना जिसकी दो साइड, जैसे ये लेंथ है, वो क्या कहना चाह रहे, लेंथ और ये ब्रेथ दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये भी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये भी इक्वल हो जाए दोनों, और ये तो पहले से है इक्वल दोनों, तो क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये रेक्टेंगल है ना। तो इफ वी डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बाय द वेरिएबल पी, द रूल फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बिकम पी इंटू पी इक्वल टू 2L प्लस 2B, ठीक है। अब यहाँ क्या नोट करने के लिए बोल रहे हैं, हियर बोथ L एंड V आर वेरिएबल्स, तो यहाँ पे L और V क्या है, वेरिएबल है, दे टेक ऑन वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 2L है तो L अपनी जगह 5 भी ले सकता है, 10 भी, कुछ भी ले सकता है, B भी जो मर्जी ले सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट वैल्यू द अदर वेरिएबल हैज टेकन, तो अब 2L 2B हो गए तो जरूरी नहीं है कि जितना L की वैल्यू है वही B की वैल्यू हो, ये दोनों अपनी इंडिपेंडेंट यानी कि अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, ये किसके लिए है रूल, रेक्टेंगल के, ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल की दोनों भुजाएं, दो दो भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से एक किसी को दो किसी को चार या जितना मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। इन योर स्टडीज ऑफ ज्योमेट्री यू विल कम अक्रॉस सेवरल रूल्स एंड फॉर्मूलाज डीलिंग विद पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर एंड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर, ऑल्सो यू मे ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द नंबर ऑफ डायगनल ऑफ अ पॉलीगन एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया है, ज्योमेट्री जब पढ़ी थी ना तो उसमें कई सारे रूल्स और फॉर्मूलाज पढ़े थे पेरीमीटर के लिए, ठीक है, प्लेन फिगर के लिए, सरफेस के लिए, एरिया के लिए, वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशन फिगर के लिए, ठीक है, और कुछ फॉर्मूला हमने बनाए भी थे, है ना, एंगल ऑफ पॉलीगन के एंगल वगैरह भी पढ़े थे, इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी जो ट्राइंगल होता है, एक पॉलीगन है उसके अंदर एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ पॉलीगन्स एंड सो ऑन, इस तरह से कई सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो जो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल विच यू हैव लर्न विल प्रूव वेरी यूजफुल इन राइटिंग अ सच जनरल रूल्स एंड फॉर्मूलाज, तो जो हमने पढ़े थे उनको हमने क्या किया है, प्रूव भी किया है, ठीक है। तो जो रूल फॉर अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक के लिए कुछ रूल था, उनको यहाँ एक बार फिर से प्रूव कर लेते हैं, कैसे, कि जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 एड करेंगे आएगा 7 और 3 प्लस 4 फिर भी 7 आएगा, यानी कि 3 को आगे रखो या 4 को आगे रखो, ठीक है, एडिशन में क्या होता है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये सिर्फ एडिशन में होता है, ठीक है, आप माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि 3 में से 4 को माइनस करो या 4 में से 3 माइनस करो बराबर वैल्यू आए, नहीं, ये सिर्फ किस में होता है, प्लस में होता है और मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, माइनस और डिवाइड में नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एज वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स, दिस इज ट्रू फॉर एनी टू नंबर्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर नॉन एज द कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स,
कमिटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग, ठीक है, कमिटिंग मतलब इंटरचेंजिंग, जैसे ये वाला हाथ इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया ना, ऐसे इसमें दिखा रहा है। तो कमिटिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम। तो इसमें क्या होगा, आप नंबर को भले इधर को उधर कर दो, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। द यूज ऑफ वेरिएबल्स अलाउज अस टू एक्सप्रेस द जनरलिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन अ कंसाइज वे। तो लेट ए एंड बी टू वेरिएबल्स विच कैन टेक एनी नंबर वैल्यू, देन ए प्लस बी या फिर बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वेरिएबल में भी कर सकते हैं, चाहे ए प्लस बी लिखें या फिर बी प्लस ए लिखें। तो वंस वी राइट द रूल दिस वे, ऑल स्पेशल केसेस आर इंक्लूडेड इन इट। इफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, तो वी गेट 4 प्लस 3, 3 प्लस 4। इफ ए इक्वल टू 37 एंड बी इक्वल टू 73, तो वी गेट 37 प्लस 73, 73 प्लस 37 एंड सो ऑन। और इस तरह से हम आगे कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है, एडिशन पे भी और मल्टीप्लीकेशन पे भी। तो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स दैट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स बींग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर, ठीक है। जिस तरह से एडिशन में क्या करता था, ऑर्डर मैटर नहीं करता था, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता है। आप किसी भी ऑर्डर में नंबर रख दो, आपका मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे 4 × 3 करो तो 12 आएगा, 3 × 4 करो तब भी 12 आएगा। तो हैंस 4 × 3 = 3 × 4, तो ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स इज नोन एज कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वो कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन थी, ये कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स है। तो कम्यूटिंग मतलब होता है इंटरचेंजिंग, जैसा कि हमने एडिशन में देखा था। द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन मल्टीप्लीकेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। तो यदि हम नंबर का क्या करें, ऑर्डर चेंज कर दें, कोई चीज इधर है इसको इधर ले आओ या फिर इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो नोट है दैट ए एंड बी कैन टेक एनी नंबर वैल्यू, ठीक है। और ये भी यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसलिए ए और बी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरिएबल्स, क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं। ऑल द स्पेशल केसेस लाइक 4 × 3 = 3 × 4 और 37 × 73 और 73 × 37 फॉलो फ्रॉम द जनरल रूल, ठीक है। तो इस तरह से ये किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी यूज होती है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर, तो सपोज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 7 × 38, तो वी ऑब्वियसली डू नॉट नो द टेबल ऑफ 38। तो हम 38 का टेबल तो जानते नहीं है ना, इतना बड़ा टेबल कौन याद रखेगा ना। कुछ लोगों को याद होता भी है वैसे, लेकिन मान लो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो सो वी डू द फॉलोइंग, तो हम क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे 7 × 38 को, क्या करेंगे 7 × 30 + 8। तो 7 का पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब वेरिएबल के साथ पढ़ना है, इसलिए अर्थमेटिक में किस तरह से हमने पढ़ा वो एक तरह से रिविजन हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो 7 का 3 का 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 210, और 7 का 8 के साथ किया तो 56। अब दोनों को कर दो ऐड, 266। इसमें क्या हुआ, ये कैलकुलेशन आसान था, जीरो वाला एक तो नंबर मिल गया तो आपको ज्यादा बड़े करने नहीं है। 7 × 3 = 21, जीरो वैसा वैसा रख दो, है ना, और 7 × 8 = 56, ठीक है। लेकिन आप 38 का टेबल पढ़ते तो टाइम लग जाता है ना, और 7 का भी पहले 8 टाइम पढ़ते फिर 3 टाइम पढ़ते, खैर तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये तरीका क्या है, ज्यादा आसान है। तो दिस इज ऑलरेडी ट्रू फॉर एनी थ्री नंबर लाइक 7, 30 and 8। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, क्या किया इधर बांट दिया, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। तो बाई यूजिंग वेरिएबल्स वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स ऑल्सो इन अ जनरल एंड
कंसाइंस वे, तो लेट ए बी एंड सी वी देयर, ठीक है, विथ थ्री वेरिएबल्स. तो ए बी सी क्या है, ये थ्री वेरिएबल्स हैं, तो ईच ऑफ विच कैन टेक एनी नंबर. तो सबके लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई भी नंबर दे सकते हैं. देन ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर आर फैसिनेटिंग, यू विल लर्न मैनी ऑफ देम इन योर स्टडी ऑफ नंबर्स दिस ईयर एंड इन योर लेटर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स. यूज ऑफ वेरिएबल्स अलाउ अस टू एक्सप्रेस दीज प्रॉपर्टीज इन अ वेरी जनरल एंड कंसाइंस वे. तो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इज गिवेन इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. तो ट्राई टू फाइंड मोर सच प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड लर्न टू एक्सप्रेस देम यूजिंग वेरिएबल्स. तो अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है. तो चलिए एक्सरसाइज भी साथ ही कर लेते, क्योंकि हमने भी कंसेप्ट समझ लिया, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है. तो चलिए समझ लेते हैं, कर लेते हैं. तो किस तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी सारी साइड कैसी हो, इक्वल हो, ठीक है, बराबर है, ठीक है. इज शोन बाय एल. तो इक्विलेटरल क्या है, ये ट्राइंगल है, लेकिन ये तो हेक्सागन दिख रहा है. चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल. तो एक्चुअली ये जो हेक्सागन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि 10.10 एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें तो क्या है, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी क्या होगा, इसके तीनों साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये, ठीक है. तो ये एल से दिखा रहा है, यानी एक साइड एल है, प्लस दूसरी साइड भी एल है, तीसरी साइड भी एल है ना. तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है और ट्रायंगल यूजिंग एल लिखना है. तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 3 इंटू एल आएगा, ठीक है, 3 इंटू एल या फिर 3 एल, कैसे, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. तो ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन उसे कहते हैं जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है. रेगुलर कोई भी शेप, ये रेगुलर लिखा है, इसका मतलब उसकी सारी साइड कैसी है, इक्वल है, ठीक है. तो इस डिनोटेड बाय एल, तो ये भी एल के द्वारा डिनोट किया जा रहा है. तो एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल. अब क्या करना है, इसका पेरीमीटर बताना है हमें. तो हिंट क्या दी है, अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ. तो वही बात ये लिख रहे हैं नोट में, हिंट में, कि रेगुलर हेक्सागन उसको कहेंगे जिसकी सारी साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है. तो क्या करना है, तो हम सॉल्व करेंगे. इफ पी रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ऑफ साइड पी, हमने पहले पढ़ा था ना कि पी क्या रिप्रेजेंट करती है, पेरीमीटर. तो क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 6 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 एल हो गई. तो इक्वल टू कितना हो गया, 6 एल, ये एल है, मैं 1-1 जैसा लिख दिया लेकिन एल है, ठीक है. तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यूजिंग एल करके, तो ये आ जाएगा 6L या 6 इंटू एल, ठीक है. अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्यूब इज अ 3-डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11. तो ये फिगर दिखा रहा है, ये कौन सा है, 3-डायमेंशनल है. 2-डायमेंशनल होता है उसकी सिर्फ सामने, ये 2-डायमेंशनल है, ठीक है, ये 3-डायमेंशनल है, क्योंकि ये कैसे दिख रहा है हमको, पीछे तक का दिख रहा है ना, तो ये 3-डायमेंशनल है. फिर क्या कह रहे हैं, कि इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर. तो इसमें कितने फेस हैं, 6 है, जैसे 1, 2, 3, एक नीचे एक ऊपर एक पीछे, है ना, तो कितने हैं, 6 फेसेस हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, एक जैसे, है ना, जैसे आइडेंटिकल ट्विन होती है ना, दो बच्चे जिनकी शक्ल एकदम एक जैसी होती है, एक ही अंडे से बनते हैं दोनों. तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कोई भी दो चीजें कैसी हों, एकदम एक जैसी हों दिखने में, समान, ठीक है, तो उनको आइडेंटिकल कहते हैं. तो ये आइडेंटिकल स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना,
तो द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई एल, तो इसकी एक साइड की लेंथ जो है क्यूब की कितनी दी है, एल दी है। तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब, तो इसकी टोटल लेंथ के लिए क्या करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंस ऑल द लिख लेते हैं, सिंस ऑल द 12 एजेस, इस तरह से चल हो जाएंगे ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने एजेस इसमें, 12 है, ठीक है। तो 12 एजेस ऑफ अ क्यूब, एजेस ऑफ अ क्यूब आर ऑफ सेम लेंथ, आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। कैसी लेंथ है इनकी, बराबर है। तो क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे एल, से एल, देन देयर टोटल लेंथ, देन देयर टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी आएगी, 12 × 12 एजेस है ना, तो 12 × 12 या फिर 12L, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर ऐसी जो क्या होती है, सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी डायमीटर हो सकते हैं, लेकिन वो शर्त क्या है कि वो एकदम सेंटर से गुजरने चाहिए, ठीक है। तो ये है ए बी, है ना। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि डायमीटर ए बी, ये वाला है ना, ए डायमीटर है ना, ए बी किसके इक्वल है, इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। तो ये ए सी प्लस ए बी है ना, तो डी बराबर हम और सी पी यदि एक और डायमीटर यहां से खींचे तो वो भी सी पी प्लस सी पी ही आएगा, है ना, सी पी और सी पी, ठीक है। तो फिर क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये दिया है, ए वी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी इज इट्स सेंटर, ठीक है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस ये त्रिज्या होती है, इसको रेडियस ये आर से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d बराबर r, r एक ये हो गई और एक ये हो गई, है ना, r प्लस r, तो क्या हो जाएगा 2r, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है, यहां से और यहां से, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13, तो वी कैन हैव टू वेज, तो ये तीन नंबर है इनका सम फाइंड करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि वी में फर्स्ट एड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन एड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54. दूसरा है वी में एड 27 एंड 13 टू गेट 40 एंड देन एड 14 टू गेट द सम 54. दस 14 एंड 27 प्लस 13, 14 प्लस 27 प्लस 13.
तो ये क्या कह रहे हैं कि दो तरीके से इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका है जिसमें कैलकुलेशन यानी कि एडिशन आसान होगा और जल्दी होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, दिस कैन बी डन फॉर एनी थ्री नंबर्स, और ये कोई भी तीन नंबर के साथ डन हो सकता है कि अभी यहाँ पे जो तीन नंबर दिए ना उनके अलावा भी आप कोई भी तीन नंबर लेंगे ना तो उनके साथ भी ये पॉसिबल है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिविटी। तो एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स, ये हम पहले ही शुरू का चैप्टर हमने पढ़ा था ना होल नंबर्स, उसमें पढ़ चुके हैं। इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी, और यदि जनरल वे में देखना चाहें तो इनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं ए बी सी। जैसे यहाँ अर्थमेटिक में उन्होंने समझाने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने 40 प्लस 27 और 13 लिखा है। और यदि हम जनरल वे में वेरिएबल्स के थ्रू करना चाहें, रूल बनाना चाहें, तो क्या लिखेंगे, द गिवन प्रॉपर्टी इज स्टेटेड एज फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो उन्होंने क्या किया है, द गिवन प्रॉपर्टी इज स्टेटेड एज फॉर थ्री वेरिएबल्स। कौन कौन से बता रहे हैं, ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, सॉरी ये बी लिख दिया मैंने, सी, ठीक है, ए बी सी लेने की बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस सी, है ना, किसके, और या फिर ऐसे लिखना ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई करना तो हमको साथ का प्लस ही है ना, चाहे ए के साथ बी प्लस कर दो या बी के साथ सी प्लस कर दो, है ना, आंसर तो वही आएगा। बस ये है कि नंबर आपके जैसे ये था 14 और 27 और 13 और 27 और 13, तो ये 7 और 3 क्या होता है, 10 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। 2 और 1 को ऐड किया तो 3 और 1 4, तो 14 में सीधा सीधा 4 को जोड़ दोगे ना तो क्या होगा, 14 का 10 सीधा हो जाएगा तो 50 और 4 का 4 54, मतलब आसान रहेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं कि इस नंबर के साथ इस नंबर को कैलकुलेट करें ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा सीखते जाएंगे उतना हमको फील होगा कि हाँ हम एक जिंदा आदमी हैं, ठीक है, और इंसान है, ठीक है, वरना जानवर भी है दुनिया में, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो कि हमेशा सीखता रहता है। और कितनी भी महान हस्तियां हो चाहे कोई भी हो, जो सीख रहा है आगे वही आगे ग्रो कर रहा है। उम्र तो हमारी ऐसे बढ़ ही रही है, ठीक है, लेकिन हम सीख रहे हैं, इसका मतलब हम दिमाग को भी बढ़ा रहे हैं, और दिमाग को बढ़ा रहे हैं तो मतलब हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें लगता है सबको ये कुछ करना ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।